गाइज, वेलकम टू माई चैनल। मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम। उसमें हमारे पास चार तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम इन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में कुछ कन्वर्जन्स को भी पढ़ेंगे, जैसे डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करना हो, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा। तो मैं चारों की आपस में जो कन्वर्जन है उनको हम डिटेल में यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स आते हैं वो कौन कौन सी डिजिट्स हैं? सबसे पहले हम डिजिट्स की बात करते हैं। इसमें डिजिट्स आती हैं 0 to 9। ठीक है, सब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इसमें 0 to 9 डिजिट्स हमारी आती हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 10। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा, बेस या फिर रेडिक्स, बड़ी क्लासेस में हायर स्टडीज के लिए जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें बेस को रेडिक्स बोला जाता है। इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो इसका बेस होगा या फिर रेडिक्स होगा वो क्या होगा? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो ये हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो इसका जो बेस है दैट इज 10। ठीक है, तो इसका बेस 10 है। उसके बाद प्लेस वैल्यू, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो इस तरह से 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, सो ऑन, एंड इधर 10 की पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 7481.913। ठीक है, इस नंबर को हमने, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो इसको किस तरह से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है? ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे हम? इसकी प्लेस वैल्यू के साथ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इसी तरीके से है ये भी। तो ये जो वन है ये वंस प्लेस पे है, सो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी दैट विल बी 10 की पावर 0। ठीक है, इसी तरह से 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी दैट विल बी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 होगी 4 की प्लेस वैल्यू, 7 की 10 की पावर 3 एंड ऐसे ही। और डेसिमल के इधर जो नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू 9 की प्लेस वैल्यू होगी 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आप उनको भी कन्वर्ट करना आसानी से सीख जाएंगे। तो 7481, सबसे पहले 1 into 10 की पावर 0 + 8 into 10 की पावर 1 + 4 into 10 की पावर 2 + 7 into 10 की पावर 3। इधर पॉइंट भी है, साथ में हमने प्लस भी डालना है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 9 into 10 की पावर -1 + 1 into 10 की पावर -2 + 3 into 10 की पावर -3। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया। एनीथिंग, किसी की चीज की पावर जीरो, किसी भी डिजिट की पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स चैप्टर में पढ़ा होगा, a की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो दैट मीन्स 10 की पावर 0 इज 1। सो 1 into 1 + 8 into 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 इज ऑलवेज 10, 8 into 10 + 4 into 10 की पावर 2, दैट मीन्स 4 into 10 की पावर 2 इज 100 + 7 into 10 की पावर 3 मीन्स 1000 प्लस और साथ में पॉइंट 9 into 10 की पावर -1। तो जब रेसिप्रोकल करना होता है, हमने ये भी पढ़ा था, a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a की पावर 1, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, फ्रैक्शन में आ जाता है वो। ठीक है, तो जैसे 9 into 1/10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 इज ऑलवेज 10 प्लस 1 into 10 upon 10 की पावर 2 प्लस 3 into 1/10 की पावर 3। तो ये सबको नेगेटिव जो पावर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 into 1 इज 1 + 8 × 10 = 80 + 4 × 100 = 400
प्लस 7 into 1000 इज 7000, इधर 9 upon 10, 9 ones are 9 upon 10, दैट मीन 0.9, प्लस 1 ones are 1, 1 upon 10 की पावर 2, इसको जब खोलेंगे ये बनेगा 100, तो 1 upon 100 इज 0.01, प्लस 3 upon 1000 इज 0.003. तो जब एंड में हम इसको ऐड करेंगे तो हम अपने इसी नंबर पे पहुंचेंगे. सी 80 प्लस 1 इज 81, 7000, मैं आपको रफ में यही सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 7480 और 1, ये बना 7481. पॉइंट के बाद देखिए 0.003, 0.01, 0.9, जब इसको ऐड किया तो 0.913, तो यहाँ पे आएगा 0.913 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हम पहुंच रहे हैं, देखिए 7481.913. तो इन सभी को, ये सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करके हम अपने ओरिजिनल नंबर पर पहुंच रहे हैं. तो ये था बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म. किसी भी नंबर की, कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे कोई भी हो, तो उसकी जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है तो उस डिजिट्स को साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लेस वैल्यू से. तो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट ये था, इसको आगे हम जब कन्वर्जन करेंगे तब भी यूज करेंगे. तो अब हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे चलते हैं. नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे अब सेकंड. बाइनरी नंबर सिस्टम होता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, 0101, 0101, 0101, 1.1101, 1.0101. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नंबर सिस्टम बाइनरी के. ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा, जैसे कि डेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स आती हैं, हमारी बाइनरी में सिर्फ देर आर 2 डिजिट्स, दैट मीन्स 0 and 1, ओनली 2 डिजिट्स. ठीक है, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस और रेडिक्स की बात करें, जैसे डेसिमल में बेस था हमारा 10, वाई, बिकॉज उसमें टोटल 10 डिजिट्स आ रही थी, इसका जो बेस है दैट इज 2. तो किसी भी नंबर को जब हमने बाइनरी में लिखना है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 1101.1 ब्रैकेट बेस 2. तो जब भी आपको किसी नंबर का बेस 2 मिले, दैट मीन्स वो कौन सा नंबर है, बाइनरी. सिमिलरली अगर जैसे इसको लिखना था, ये नंबर था 7481.913, इसको लिखना था इस तरह से 10, तो ये हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है. इसमें 9 के बाद को, मतलब जो डिजिट्स आएंगी वो सिर्फ 0 to 9 की ही होंगी सारी डिजिट्स, ये ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स बन सकता है, बट डिजिट्स तो 0 से 9 की ही आएंगी, तो कोई भी नंबर इस डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, अब बात करें प्लेस वैल्यू की. बाइनरी नंबर सिस्टम की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, प्लेस वैल्यू वो होती है इस तरह से, जैसे उसका बेस था 10, तो वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 जा रही थी. ठीक है, इसका बेस है 2, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, एंड सो ऑन. अगर डेसिमल आ जाए बीच में, पॉइंट के बाद कोई नंबर है, तो 2 की पावर -1, -2, -3, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये होती है उसकी प्लेस वैल्यू. जैसे सपोज यही नंबर है, ये जो एग्जांपल मैंने ली है 1101.1, इसको अगर हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है तो किस तरीके से करेंगे. सी 1101.1 ले रही हूं मैं, इसको एक्सपैंड करना है तो सबसे पहले जो 1 है, ये इधर वाला 1, पॉइंट के इधर वाला, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू, इसकी पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0. ठीक है, 1 into 2 की पावर 0, प्लस 0 into 2 की पावर 1, प्लस अगेन 1 into 2 की पावर 2, प्लस 1 into 2 की पावर 3, और इधर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1, तो 1 into 2 की पावर -1. ठीक है, साथ में प्लस भी डालते हैं. तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सी
वन इंटू टू की पावर जीरो, अभी बताया एनीथिंग टू की पावर जीरो इज इक्वल टू ऑलवेज वन, एनीथिंग एनीथिंग की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो वन इंटू टू की पावर जीरो वन वन जा वन प्लस जीरो इंटू टू की पावर वन इज ऑलवेज जीरो, वन इंटू टू की पावर टू, टू की पावर टू इज फोर, तो वन इंटू फोर प्लस वन इंटू टू की पावर इज थ्री, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो वन इंटू एट, इधर प्लस डेसिमल के बाद वन इंटू वन अपॉन टू की पावर वन, रेसिप्रोकल करेंगे इस नेगेटिव को हटा के, ठीक है। तो सी एट वन जा एट प्लस फोर वन जा फोर प्लस जीरो प्लस वन प्लस वन वन जा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव, ठीक है। तो यहां पे अब इन सबको ऐड कर देंगे, एट प्लस फोर इज ट्वेल्व प्लस थर्टीन, थर्टीन पॉइंट फाइव सी। एक तरह से ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ी है, हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया है इन डेसिमल नंबर, तो ये एक कन्वर्जन थी फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम ऑक्टल को और हेक्सा को भी बाइनरी सॉरी ऑक्टल और हेक्सा को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेस वैल्यू। अब आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, बस प्लेस वैल्यू यही रहेगी, उसका बेस चेंज होता जाएगा जितनी उसमें डिजिट्स आएंगी, जिस उस नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रेडिक्स डिसाइड होगा, एंड रेडिक्स के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कन्वर्जन ये वाली क्लियर हो गई होगी फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, और साथ में हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने की मेथड, ठीक है। तो जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया अभी पिछले पार्ट में, तो अब हम ऑक्टल टू डेसिमल भी साथ में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्टल में डिजिट्स कितनी आती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो ऑक्टल में आती हैं वो है हमारी 0 to 7, ओनली 8 डिजिट्स, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 टोटल डिजिट्स हैं जो हमारी, वो हैं टोटल डिजिट्स 8 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू एट, देयर फोर आपको पता चल गया होगा कि इसका जो बेस है या फिर रेडिक्स है वो क्या होगा, 8, ठीक है। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को जब लिखना है तो वो उसको इस तरीके से लिखना है, जैसे सपोज कोई भी हो सकता है 117.4, ठीक है, या फिर 1212 का बेस 8। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, बट उसमें सिर्फ डिजिट्स आएंगी 0 to 7। अगर सपोज आपका नंबर है 9147.3 का बेस 8, तो दिस इज नॉट एन ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हम ऑक्टल नहीं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, बिकॉज 9 जो डिजिट है ये 9 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑक्टल और डेसिमल का डिफरेंस। डेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स आती हैं, टोटल 10 डिजिट्स, एंड ऑक्टल में 0 to 7 डिजिट्स आती हैं, टोटल 8 डिजिट्स, ठीक है। तो इसका बेस 8 है, उसका बेस 10 होता है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन से पहले हम प्लेस वैल्यू को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्लेस वैल्यू को किस तरह से लिखना है। सो इसकी जो प्लेस वैल्यू है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। इधर अगर नेगेटिव, अगर सॉरी डेसिमल के बाद भी नंबर है, जैसे 0.3 है, तो उसके लिए 8 की पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू है। अब हम एक नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 117.4। मैं ज़्यादातर डेसिमल वाले ही ले रही हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। अगर डेसिमल वाला नहीं है तो आप इतने पार्ट को जो है वो छोड़ देंगे और प्लेस वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 की पावर 0 से, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो 117.4
0.4 को हमने कन्वर्ट करना है इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव 117, सबसे पहले 7, 7 वन्स प्लेस पे है, तो 7 इंटू 10 सॉरी 8 की पावर 0, ठीक है, प्लस 1, 1 इंटू 8 की पावर 1, प्लस अगेन 1 इंटू 8 की पावर 2, छोटा सा ही नंबर है, अब इधर पॉइंट है, साथ में ऐड भी हम करेंगे, तो 4, 4 इंटू 8 की पावर माइनस 1, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 7 इंटू 8 की पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1, तो दैट इज 8, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2, 8, 8 जा 64, तो 64, 1 इंटू 64, प्लस साथ में पॉइंट 4 इंटू 8 की पावर माइनस 1, तो दैट मीन्स 1 अपॉन 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 इज ऑलवेज 1, सॉरी 8, ठीक है। तो अब इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ, सो 1 इंटू 64 इज 1, 64 प्लस 8 वन जा 8, प्लस 7 वन जा 7, प्लस इधर पॉइंट के बाद हमारा था 4 इन अपॉन 8 हो जाएगा वो, ठीक है। देखिए ना, ये जो पिछली जो इक्वेशन थी मैं वो उतार के देती हूँ यहाँ पे, 1 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1 पॉइंट एंड प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 8। तो इसको जब आगे सॉल्व किया तो 64 इंटू 1 इज 64, 8 वन जा 8, 7 वन जा 7, ठीक है, प्लस 4 वन जा 4 अपॉन 8, 4 अपॉन 8 कट करके होगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को हम लिखते हैं 0.5, तो 64 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 0.5, तो ऐड करके बनेगा 79.5। तो ये है हमारा डेसिमल में, सी 9 आ रहा है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये डेसिमल में ही है। तो ये था ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने का मेथड, ठीक है, प्लेस वैल्यू की हेल्प से। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव, अब हम आगे चलते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है सेम, थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस है, तो आप प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स आती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो इंक्लूड होती हैं, वो होती हैं 0 to 9 एंड साथ ही साथ ए टू एफ, ठीक है। अब जैसे 0 to 9 तो हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, साथ में ए टू एफ, यानी कि अगर 10 आ जाता है बाय चांस तो उसको लिखेंगे हम ए मीन्स 10। देन अगर 11 लिखना है तो दैट मीन्स बी होगा हमारा 11। 12 लिखना है तो सी, 13 है तो डी, 14 है तो ई एंड 15 है तो एफ। तो ये डिजिट्स हमारे इंक्लूड होती हैं इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो 0 to 9 साथ में ए टू एफ, ठीक है। तो ए आपको पता चल गया, ए इज 10, बी इज 11, सो ऑन, एफ इज 50, ठीक है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में दैट मींस टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 0 to 9 10 प्लस 11 12 13 14 15 एंड 16, तो दैट मींस इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारी, 16, ठीक है। सो इसमें है 16, तो दैट मींस इसका जो बेस या फिर रेडिक्स है वो क्या होगा, 16, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम यही है जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है, दैट मींस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे होगी, ऐसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 3 एंड सो ऑन, और अगर डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब यानी कि पॉइंट के बाद नंबर है तो 16 की पावर माइनस 1, 16 की पावर माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमने किसी नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ पहले हेक्साडेसिमल की क्या हो सकती है। सी
6 0 1 a 1 7 f point 2 1 13 point d, सो ऑन. ठीक है, जो 113 point d है तो उसका क्या मतलब बनेगा, 113 point d को किस में, d कौन सा डिजिट होता है, c, d refers to 13, तो 113 point d that means 13, तो ये इस तरीके से होगा. ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे. तो अगर अब हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, डेसिमल, ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ए 6.8 का बेस 16 कन्वर्ट करना है टू बेस 10, 10 के बेस में यानी कि डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए करेंगे क्या, सी वही 6 है तो 6 × 16 की पावर 0 प्लस ए 8 × 16 की पावर 1 point then plus 8 × 16 की पावर -1. ठीक है, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्यों हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे यूज की है. ठीक है, उसके बाद 6 × 16 की पावर 0 तो 6 × 1 प्लस ए क्या होता है हमारा, ए रेफर्स टू 10 तो 10 × 16 की पावर 1 दैट मीन 16 प्लस 8 × 1/16. ठीक है, तो ये बन रहा है 16 × 10 = 160 प्लस 6 × 1 = 6 प्लस साथ में पॉइंट 8 × 1/16. 8 × 1/16 को जब हम 1 को 16 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 0.0625. ठीक है, तो 160 प्लस 6 प्लस पॉइंट 8 × 0.0625 वो बनेगा 0.5. ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो अब हम ऐड करेंगे 160 प्लस 6 इज 166 साथ में 0.5 को जब इसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 0.5. सी यहाँ पे 166 तो पता चला, उसके बाद 0.5 उसमें ऐड किया तो 166.5, तो 166.5 आ गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में. ठीक है, तो ये था कन्वर्ट करना हेक्सा टू डेसिमल. ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया है कन्वर्जन के बाद इस एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, सो आई होप आपको ये कन्वर्जन अच्छे से क्लियर होगी होंगी. अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ फ्रॉम अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्ट करके देखा है, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा. तो इस वीडियो में हमने पढ़ा वो क्या था, सबसे पहले हमने चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, दैट मीन्स डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. सबसे पहले हमने इनके बारे में पढ़ा, इन सबके बेस के यानी कि रेडिक्स के बारे में, इनकी प्लेस वैल्यू, इनमें डिजिट्स कौन सी आती हैं, तो हमने ये सब डिस्कस किया. उसके बाद साथ ही साथ हमने कन्वर्जन्स देखी. सबसे पहले हमने डेसिमल को ही एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा. ठीक है, डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म हमने देखी वो किस तरह से हो सकती है. तो अगर एग्जाम्स में 2 marks का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, उसके बाद हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया और हमने ऑक्टल को डेसिमल में किया और साथ में साथ हमने हेक्सा को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया. तो आप देखें जो सबसे पहले जो हमारा बेस नंबर सिस्टम है ना, जो हमारा बेसिक नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है. तो किसी भी चीज को हम डेसिमल में कन्वर्ट, किसी भी सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेस वैल्यू. ठीक है, तो आप ये याद जरूर रखिए कि प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मैंने हर डेसिमल नंबर, हर सिस्टम के बारे में मैंने डीपली समझाया है, सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इस वीडियो का पार्ट टू बहुत जल्द आएगा जिसमें हम अब हमने बाकियों को तो डेसिमल में कन्वर्ट करना देखा, अब हम डेसिमल को बाकियों में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स भी आपके फोन में जल्द से जल्द आ जाएं. तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई कंटेंट.